यूपी के कानपुर के छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय में भाजपा के युवा संसद कार्यक्रम में शामिल होने महिला एवं बाल कल्याण मंत्री रीता बहुगुणा पहुंची। इस दौरान उन्होंने प्रियंका गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रियंका भीड़ तो जुटा सकती हैं, पर वोट मिल जाएंगे ये कहना जल्दबाजी होगा। 1000 करोड़ और ये कांग्रेस की सरकार नहीं है, किसी सरकार ने दो खेल में छोड़ते रहे, सब्सिडी देते रहे, लेकिन पैसा दिया नहीं, प्रावधान नहीं किया। मोदी जी ने दूसरे सरकार का कर्जा उतारा 1,04,000 करोड़। 50% आबादी इस देश की 25 साल के नीचे और 65% आबादी हमारी 35 साल के नीचे की है, और युवा ही राष्ट्र की सबसे बड़ी धरोहर है। नरेंद्र मोदी जी का सबसे ज्यादा फोकस अगर 5 वर्षों में रहा है तो युवाओं को प्रेरित करने और इस राष्ट्र के निर्माण की धारा से उनको जोड़ने का रहा है। तो ये इसी सिलसिले से हमारी पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का जो युवा प्रकोष्ठ है, उसने जगह जगह पर युवा संसद रखी है। इस संसद के दो उद्देश्य हैं, अपने अपनी धाराओं में जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको एक जगह लाना, उनकी प्रोफाइल, उनका बायोडेटा, उनसे वार्ता करना और लोगों को उनका जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, उनसे परिचित कराना और उन्हें सम्मानित करना, और साथ ही साथ हम जैसे सीनियर लोगों के साथ, बुजुर्गों के साथ उनका संवाद होता है। इस संवाद के माध्यम से जो उनके मन में विषय होते हैं वो प्रस्तुत करते हैं, जो हमारे मन के विषय होते हैं हम उनको बताते हैं। तो एक समझ लीजिए इंटरैक्टिव सेशन है, और ये बहुत आवश्यक है कि हम लोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर, सामाजिक विषयों पर, आर्थिक विषयों पर एक दूसरे से बात करें। बहुत ही उपयोगी होती है ये संसद, और मुझे लगता है कि इसके परिणाम जो यहाँ आज हो रहा है उसके बहुत अच्छा होगा।